कि बालों के बारे में कुछ वीडियो बनाओ, हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर वाइट हो रहे हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, दीदी इंटरेस्ट में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि बालों के बारे में कुछ वीडियो बनाओ, हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर वाइट हो रहे हैं। तो देखिए, मैं ऑर्गेनिक शैम्पू लेके आई हूँ। आज का जो शैम्पू है प्योर 100% ऑर्गेनिक होने वाला है और इसमें मतलब कोई भी केमिकल्स नहीं रहेगा। आप घर पे इजिली आसानी से बनाने ला सकते हो और इसके बहुत सारे वेराइटीज बन सकते हैं। मतलब बाल काले करने वाला शैम्पू चाहिए, एंटी हेयर फॉल शैम्पू चाहिए, एंटी फंगल शैम्पू चाहिए, आप घर पे इजिली बना सकते हो। लेकिन मैं आज जो बताऊंगी सिंपल सा बनाऊंगी, जो मतलब बालों को काला तो करेगा ही, साथ में बालों को शाइन देगा और इवन कि जो भी डर्ट है उसको निकालेगा। और ऑर्गेनिक चीज़ ही हम यूज़ करेंगे इसमें। तो इसमें हम करने वाले हैं शिकाकाई। आप ये शिकाकाई आयुर्वेदिक शॉप से आराम से मिल जाएगा आपको, और अगर ये नहीं मिलता है तो आप शिकाकाई का पाउडर भी ले सकते हो, पाउडर भी आसानी से मिल सकता है। तो ये है शिकाकाई और ये है शिकाकाई का पाउडर। ये पाउडर देख सकते हो, आसानी से आपको कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, जिसमें आप मेडिकल मतलब आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप में मिलेगा, जिस मेडिकल में, जिस आयुर्वेदा में आपका भरोसा है उससे आप ले सकते हो। आप नॉर्मल शिकाकाई भी, ये शिकाकाई है जिसको उबाल के इसके अंदर के दाने निकाल के पूरे रात भर रहने देना है, सुबह मैश करके उस पानी से बाल धोते हो तो पूरे बाल अच्छे होंगे, काले होंगे, घने होंगे, साथ में आपके बालों में मतलब उलझन नहीं होगी और कोई भी मतलब केमिकल यूज़ नहीं हो तो कोई उसका साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। अगर आप ये पाउडर भी लेते हो, इसको 2-3 चम्मच आप ग्लास में पानी लेके उसमें डाल सकते हो, 5-6 मिनट के लिए भिगा दीजिए। उसके बाद पूरे बाल गीले करने के बाद बालों में अच्छी तरह मसाज करके 5-10 मिनट रहने देना है। उसके बाद नॉर्मल साफ कर लेते हो तो ये भी एक शैम्पू बन जाता है। लेकिन मैं आज का रेसिपी है उसमें 2-3 इन्ग्रीडियंट्स मिक्स करूँगी जो बहुत अच्छा शैम्पू बनेगा। मतलब बाल को शाइन तो करेगा ही, साथ में बाल को काला भी करेगा, साथ में आपके जो भी स्कैल्प के प्रॉब्लम्स है, गंदगी है, उसको भी निकालेगा। ओके, तो फ्रेंड्स अभी बात आती कि इनको कितने कितने क्वांटिटी में मिक्स करें। तो सबसे पहले हम लेंगे रीठा। रीठा ये 100 ग्राम, अगर आप एक चम्मच के हिसाब से लेते हो तो 1 चम्मच रीठा, 2 चम्मच आंवला पाउडर, 3 चम्मच शिकाकाई। 1, 2, 3 ऐसे याद कर लीजिए, 1:1, 2:3 ऐसे याद कर सकते हो। तो मैं 100 ग्राम का लेने जा रही हूँ तो टोटल ये 600 ग्राम पाउडर बन जाएगा, जो कि मेरे लिए कम से कम 6 महीने के लिए यूज हो सकता है, और जिसके बाल घने बहुत लंबे उनको 3 महीने या 2 महीने के लिए यूज हो जाएगा। ओके, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया रीठा, तो रीठा मैंने 1 लिया हुआ है। और ये है आंवला पाउडर, आंवला पाउडर मैंने 200 ग्राम लिया है, 100 ग्राम रीठा, 200 ग्राम आंवला पाउडर। और ये आंवला पाउडर खाने में मतलब ऐसे खा भी सकते हो खाली पेट वगैरह। बहुत टेस्टी लगता है, बल्कि स्वाद बढ़ाता है मुंह का और स्किन भी अच्छा करता है। इसके बहुत सारे, अभी इसमें बहुत सारे मतलब विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारे मतलब सॉरी तत्व रहते हैं, जो तत्व के बारे में बताऊंगी तो 4 घंटे का वीडियो बन सकता है, लेकिन उसके बारे में नहीं। लेकिन अमीनो एसिड जो बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर इसके साथ आप ये शैम्पू यूज़ करते हो, साथ में साथ आप आंवला पाउडर खाते हो, तो आपके बाल गिरना कम हो जाएगा और साथ में आपके बाल काले रहेंगे। और मुझे स्कैल्प प्रॉब्लम है, अगर कि आपको लोग को पता होगा कि मेरा वीडियो पहले दिखाओगे मुझे कौन सा स्किन में मतलब प्रॉब्लम है, मुझे ऑटोइम्यून डिजीज है जिसकी वजह से मेरे बाल नहीं बढ़ पाते, उसके लिए भी ये बहुत फायदाजनक है। मतलब उतना फायदा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मतलब जो हम केमिकल यूज शैम्पू से, तो ये फायदाजनक, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो मैं पूरा क्वांटिटी में इतना सारा पूरा बना के अभी मतलब नहीं दिखाने वाली हूँ, थोड़ा ही लूँगी, थोड़ा थोड़ा ही लूँगी, ताकि आपको कैसे बनाना है वो पता चल सके। तो हम सबसे पहले 1 चम्मच रीठा पाउडर लेंगे। ये लिया है मैंने 1 चम्मच रीठा पाउडर। रीठा को टेस्ट ना करिए, ये बहुत तो अजीब सा रहता है, मुझे तो तो अभी हमने ले लिया है 1 चम्मच रीठा पाउडर। अभी 2 चम्मच लेंगे हम आंवला पाउडर, ये 1 चम्मच और ये दूसरा चम्मच, इसमें थोड़ा कम है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लूंगी मैं। ये 2 चम्मच आंवला पाउडर, आंवले में जो भी अमीनो एसिड है बाल को नहीं गिराएगा, बाल को काला करेगा, सिल्की बनाएगा। और हमें लेना है लास्ट में लेना है 3 चम्मच शिकाकाई। शिकाकाई आप देखते होंगे बहुत सारे लोग, पुराने लोग शिकाकाई को उबाल के ऐसे पानी से यूज़ करते थे, या शिकाकाई का पाउडर को भिगा के पूरा पेस्ट की तरह बालों में लगा के यूज़ करते हैं। 1, 2 ये हो गया 3, ये हो गया 3 चम्मच शिकाकाई। और इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, थोड़ा दूर रखे नाक मुंह में
में से इरिटेट होता है। पेस्ट मिक्स करने के बाद आप इन चीज को लिए ऐसे जार में भर के रख सकते हो। ये हो गया जार, ऐसे जार में भर सकते हो। अब जब भी आपको नहाना है, जैसे कि कल आपको बाल धोना है, तो आज रात को ही आपको जितना पानी लगता है इतना इतना पानी लेके उसमें आपके बाल अनुसार, छोटे बाले लड़के लोगों के लिए एक चम्मच काफी हो जाता है, अगर लड़कियां हो तो दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच, पांच चम्मच, जितने बाल घने हैं, जितने लंबे हैं उतना लीजिए। और बाल धोने से पहले क्या कर लेना है, सबसे पहले बाल भिगो लेना है, जड़ तक पूरे बाल भिगो लिया, फिर उसके जो ये इसका पानी है उसको छानना वगैरह कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा पाउडर है। और छानने अगर आप घर में कूट के भी बनाते हो तो भी छानने की जरूरत नहीं है, पूरा बालों में लगा लेना है, जड़ पे भी लगा लेना है, पूरा बालों में लगा लिया, बाल को ऐसे मतलब भून के ऊपर रख लेना है, कम से कम 5 से 10 मिनट ऐसे रहने देना है, क्योंकि जो आयुर्वेदिक में ऑर्गेनिक जो है इसमें तत्व है वो हमारी स्किन पे, हमारे बालों पे लग जाए। और आंवले पाउडर, आंवला पाउडर डालते हो तो बाल को काला भी करते हैं। अगर आपको और एक्स्ट्रा काला चाहिए तो आप रात को लोहे के बर्तन में ये सब चीज़ भिगा के भी रख सकते हो, उससे और ज़्यादा काले बाल बनेंगे। और एक बात होगी, साथ में साथ खाली पेट आंवला पाउडर नहीं तो एक आंवला हर रोज खाइए, बाल का प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाना है, आंखों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना है, स्किन अच्छी हो जानी है आपकी। तो आज का वीडियो इतना ही था। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर करें। अगर शेयर क्यों करें, शेयर जिसको भी हेयर प्रॉब्लम है ना वो शेयर करें, थोड़ा बहुत दुआ मिल जाएगा, है ना। वाह देखो सत्य वचन, फोन भी बच गया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगा प्लीज 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 थम्स अप दे देना। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, और प्लीज कमेंट जरूर करिए, आप कमेंट ही नहीं करते हो, क्या प्रॉब्लम है कमेंट करने में, है ना। बाय बाय।